Hello friends, welcome back to my channel. Myself Amol Chauhan and I'm here to teach you engineering mechanics and engineering drawing subject. और अभी जो question देखने वाले हैं हम, ठीक है, which was asked in the December 18 for the 6 marks. Okay, question is very easy. मैंने पहले ही कहा है कि ये सारे questions easy रहने वाले हैं आपके, ठीक है. तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और एक एक चीज पहले ले लेते हैं. सी अ बॉल इज थ्रोन बाय अ प्लेयर फ्रॉम 5 मीटर अबाउट द ग्राउंड. तो समझो अगर मैंने यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल ले लिया, ठीक है, तो वहां से 5 मीटर अबाउ, सो ये 5 मीटर मैं अबाउ ले लेता हूँ, ठीक है. ग्राउंड लेवल क्लियर द 25 मीटर हाई वॉल. तो यहाँ पे एक वॉल निकाल लेते हैं विच इज ऑफ 25 मीटर हाई. तो यहाँ से ऊपर, ठीक है, ये एक वॉल बना दिया मैंने. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि प्लेस एट 100 मीटर, मतलब आपको डायमेंशन दिखाना है. देखो दिस इज माई ए पॉइंट लेटेड बी विच इज 5 मीटर अप ए पॉइंट, ठीक है, और ये मैं ले लेता हूँ बी पॉइंट, ठीक है, विच इज 25 मीटर अप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ये डायमेंशन दिखा देता है, दिस इज 5 मीटर अबाउट द ग्राउंड एंड दिस इज 25 मीटर अ हाई वॉल. ओके, हाई वॉल प्लेस 100 मीटर फ्रॉम द प्लेयर. तो ये हो गया मेरा 100. ओके, सो दिस इज 100, दिस इज 5 मीटर एंड दिस इज 25 मीटर. अब देखते हैं क्या, इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज 60 डिग्रीज, देन डिटरमाइन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल. ठीक है, तो यहां से देखो ये बॉल उसने थ्रो कर दिया है, यहां से ऐसे बॉल थ्रो किया है एंड इट क्लियर्स दिस. ओके, इट जस्ट क्लियर्स दिस बी पॉइंट. ठीक है, अब यहां पे हम इसको क्या करेंगे, वेलोसिटी दिखा देंगे उसका, इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज यू. ओके, और इसका एंगल है 60 डिग्री. दे मेंशन योर प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल इज 60 डिग्री, सो वेलोसिटी विथ विच इट इज प्रोजेक्टेड इज 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी. क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू. ओके, तो फॉर्मूला है वाई इज इक्वल टू एक्स टैन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वेयर अपॉन 2u² कॉस स्क्वेयर अल्फा. ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैड और हमने इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो y हमारा जो रहेगा दैट इज a टू b मोशन. अब a टू b जो मोशन है, a टू b मोशन, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड. ओके, वर्टिकली अपवर्ड, और ये 25 है और ये 5 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आता है 20 मीटर y. ओके, तो y इज इक्वल टू 20 और वर्टिकली अपवर्ड है, सो इसलिए पॉजिटिव लिख देते हैं. इज इक्वल टू x tan अल्फा, x हमें पता है दैट इज 100 और tan अल्फा का वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया दैट इज 60 डिग्रीज, माइनस g इज 9.81 इंटू x दैट इज 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू यू जा स्क्वायर, हमें पता नहीं है, cos 60 जा स्क्वायर. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इट इज वेरी इजी, ओनली यू इज द ओनली अननोन इन द होल इक्वेशन. यू ही सिर्फ है जो अननोन है और वो हमें इजीली निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो पहले क्या करते हैं, देखो इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं. अब देखो यहाँ पे 100 tan 60, सो दैट इज 173.205. माइनस, अब ये इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, देखो 9.81 इंटू 100 द स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय कॉस 60 द स्क्वायर, सो 196.200 डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ यू स्क्वायर इज द ओनली अननोन, तो हम ये इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू 20 माइनस 173.205 सो इट इज 153.205, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 153.205
-19,6200 is equal to -196,200 divided by u square. तो माइनस माइनस विल गेट कैंसिल्ड, u square इस तरफ आएगा और ये बनेगा 196,200 डिवाइडेड बाय 153.205. सो इफ यू टेक अ स्क्वायर रूट ऑफ इट, ओके देखो मैं इसका पहले आंसर निकाल लेता हूँ, 196,200 डिवाइड बाय 153.205, ओके तो ये बना मेरा 1280.637 which is equal to u square. So u is the square root of 1280.637. So this is 35.7859, so 786 meter per second. Okay, and this is my final answer which was asked in the question. तो देखो ये क्वेश्चंस कितने इजी है यहाँ पे, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द सिंगल फॉर्मूला एंड यू कैन सिक्योर व्हाट 6 marks. तो गाइस प्लीज डू प्रैक्टिस, इसमें कुछ भी नहीं है प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में, जो भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं मैं सब सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ. इवन जो कॉमन क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ चुके हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली. ओके I hope you understood this problem, the steps and the flow with which we solve this problem. तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, and please like and subscribe my channel. Okay, thank you very much.